तो फ्रेंड्स, हाय गाइज, सभी भावी अध्यापक, आज अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, और आप इस वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह से देखें। शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन जरूर आएगा फ्रेंड्स, और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका क्वेश्चन राइट नहीं होगा फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से दो बार देख ले, एक बार में समझ में आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में अमेरिका में कहाँ पर हुई? अमेरिका में, यूएसए में, सन 1900 में। कब हुई? 1900 में हुई, थार्नडाइक के माध्यम से। अभी थार्नडाइक आपको ध्यान रखना है, क्या करना है? थार्नडाइक। और इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं, थार्नडाइक जी को क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, ये आपको तो ध्यान रखना ही है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कैसे बोलते हैं? थार्नडाइक को। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है, एजुकेशन साइकोलॉजी, की रचना सन 1900 में थार्नडाइक है उन्होंने की थी, है ना, जिसमें उन्होंने शिक्षण विधि, जो शिक्षण सिद्धांत है, टीचिंग थ्योरी का सबसे पहले विवरण उस पुस्तक में दिया था, किसमें? एजुकेशन साइकोलॉजी में। और कहाँ के थे? अमेरिका के। कब की थी? 1900 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन जरूर ध्यान। सबसे पहले विवरण दिया, अतः इन्हें विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहा गया, यानी कि वर्ल्ड का प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? थार्नडाइक है फ्रेंड्स। क्या है? थार्नडाइक। तो ये जरूर ध्यान रखना, 1900 में दी। और कौन सी पुस्तक है इनका नाम? एजुकेशन साइकोलॉजी। और शिक्षण सिद्धांतों का सबसे पहले विवरण दिया था इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा, यानी कि उस टाइम उच्च शिक्षा कौन सी थी? एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया है। ये लाइन भी जरूर ध्यान रखनी है। शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित स्वरूप अमेरिका के चार प्रसिद्ध मनोविज्ञान थे। ये मनोविज्ञान आपको भूलना भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? थार्नडाइक, टर्मन, स्टैनली हॉल और सी एच जेड। 1920 में प्रदान किया फ्रेंड्स, किंतु ये आज भी अपनी शैशवावस्था में है। अब देखो आप, तो यानी कि जो स्वरूप था मनोविज्ञान का, वो चार वैज्ञानिक थे अमेरिका के, थार्नडाइक, टर्मन, जाने माने, स्टैनली हॉल, सी एच जेड, यानी कि साइकोलॉजी पूरी इन पर टिकी हुई है। ध्यान रखना, 1920 में प्रदान किया, किंतु ये आज भी शैशवावस्था में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? आज भी शैशवावस्था में। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागमों, आयामों, तरीकों या अप्रोच का सबसे पहले प्रयोग सूत्रपात प्रकृतिवाद के जनक रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने। किसका? जो शिक्षा के क्षेत्र है, उपागम, आयाम और तरीके का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? रूसो ने। और कौन सी पुस्तक थी उनकी? एमिल माध्यम से किया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब परिभाषा की बात करते हैं। तो स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी कि स्किनर क्या बोलते हैं? स्किनर ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किससे है? टीचिंग से एवं लर्निंग से संबंधित है फ्रेंड्स, स्किनर ये बोलते हैं। साइकोलॉजी की शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, वो क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? स्किनर। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? कि योग व्यक्ति पर्सन के बर्थ से लेकर जो एडोलसेंस वृद्धावस्था हो जाती है ना, तक सीखने की जो परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो ही बोलते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जीन पियाजे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण। शैक्षिक विकास का दर्पण किसने बताया? जीन पियाजे ने, है ना। मनोविज्ञान क्या है? मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण है, ये ध्यान रखना परिभाषा। कोल्स ने क्या बोलते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं निष्कर्ष का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो कोल्सन के बोलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक नियम
जो नियम है ना और निष्कर्ष है उनका जो अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है फ्रेंड्स। मॉर्गन बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मानव की शैक्षिक प्रकृति का अध्ययन है। मॉर्गन ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव शैक्षिक प्रकृति का अध्ययन है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखना। स्टीफन बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब शिक्षा मनोविज्ञान को क्रमबद्ध किसने बताया? स्टीफन ने, ठीक है ना। स्टीफन ने क्या बताया? शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। स्किनर जी बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का, किसका है? मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। स्किनर जी बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक भी वीडियो ख़त्म हो जाती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से लाइक जरूर, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर यहाँ से करें फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों।